क्वेश्चन है कि इस व्यंजक का मान क्या है। वैल्यू फाइंड करनी है हमें इस एक्सप्रेशन की, जो एक क्या है, फ्रैक्शन यानी भिन्न है। इसमें हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, भिन्न में अंश और हर को अलग अलग सॉल्व किया जाएगा, जिसको हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिविजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना, तो जो न्यूमिरेटर यानी अंश है उसमें तो ब्रैकेट है नहीं, तो उसमें हमें ऑफ से शुरुआत करनी होगी, और जो डिनोमिनेटर है उसमें तो ब्रैकेट है, तो वहां हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले न्यूमिरेटर में हम ऑफ को सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो 3/4 ऑफ 32, ये वैल्यू होगी 24। तो जो न्यूमिनेटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 46 प्लस 24 माइनस 6, 46 माइनस 6 किया तो ये वैल्यू 40 हो गई, प्लस ऐड कर देंगे 24 में तो ये वैल्यू आ जाएगी 64, यानी जो न्यूमिनेटर यानी अंश है उसकी वैल्यू होगी 64। ऐसे डिनोमिनेटर में सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो 34 प्लस 6 ये 40 हो गया, इसके बाद हम ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 30, और जब 37 माइनस 30 किया जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64/7, ऑप्शन सी।